स्कूल का आखिरी दिन था, पर दिल बहुत खुश था। मेरा रिजल्ट जो आ गया था, पापा के सारे सपने पूरे करने का समय भी आ गया था। जब बन जाऊंगी मैं पुलिस ऑफिसर, पापा को होगा गर्व मुझ पर। ऐसा सोचते हुए मैं जा रही थी घर पर, और अचानक किसी ने पीछे से पकड़ा, मेरा मुंह दबाकर सड़क के किनारे जोर से खींचा। पकड़ा था उसने मुझे कुछ ऐसे, चाहकर भी छुड़ा ना पाऊं खुद को जैसे। सड़क सुनसान थी, अब मैं बुलाऊं किसे? मैंने पूरी कोशिश की उससे दूर भागने की, किसी तरह खुद को बचाने की, पर उसमें ज्यादा दम था और मुझ में जोर कम था। फिर उसने मुझे जमीन पर फेंका, जैसे हो कोई खिलौना उसके बचपन का। अब कैसे होगा सपना पूरा मेरे पापा का? कोई कर रहा था खून उनके अरमानों का, चीखना चाहा था कि उसने मेरे कपड़ों को फाड़ के फेंका। पहली बार महसूस हुआ मैं कमजोर और जमाना सही था। फिर उसने मुझे हर जगह छुआ, मार के मेरे सपनों को वो अपनी हवस में था डूबा। दिमाग सुन्न हो गया, दिल दहल आ गया। सोचा ना था ऐसा, और ये कैसे हो गया? हौसला टूट गया, बेटी हूँ इसलिए वो इज्जत लूट गया। सांसें अभी भी चल रही थी, खुद से लड़ने की शक्ति कम हो रही थी। तभी उसने मेरी तरफ देखा, शायद डर अब उसे भी लगा था। सोचा उसने कुछ ऐसा जो था, मार के मुझको वो खुद को बचाना जो चाहता था। अब देख ना ले कोई उसे, अब देख ना ले कोई उसे, इसलिए वो छुप के भागा था। माँ राह देख रही होगी मेरा घर पर, उसे कहाँ मालूम था उसकी लाडली राह में ही रह जाएगी किसी के हवस का शिकार होकर। अब बस रह गई थी मेरी यादें कहीं पर। अगले दिन आएगा किसी न्यूज चैनल पर, हो गया है रेप एक और जगह पर। मेरी लाश की तस्वीरें ली जाएंगी, ब्लैक करके उसे हर न्यूज में दिखाई जाएगी, ताकि लोग देखते रहें और टीआरपी उनकी चैनल की बनी रहे। सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जाएगा, शायद रेपिस्ट को भी पकड़ा जाएगा, कोर्ट में ले जाकर उससे भी पूछा जाएगा, फिर हर बार उसे छोड़ दिया जाएगा। अगले दिन फिर वो किसी का रेप करेगा और फिर आजाद हो जाएगा। कैसा मेरा देश है जिसे बेटी बनाकर पूजता, उसे या उसकी थाल में परोसता। लड़ते हैं सब किसी धर्म के लिए, किसी फिल्म के लिए, किसी पॉलिटिशियन के लिए, बस नहीं लड़ते वो अपनी बेटियों के लिए। आखिरी सवाल है मेरा, क्या सेव होगा मेरा देश हर बेटी के लिए?